गाइडलाइंस है वो बताया गया है कुत्ता पकड़ने का क्या क्या नियम है, नगर निगम की तरफ से हो चाहे यहाँ से कुछ आप लोग इंस्ट्रक्शन कोई दिए हैं कि क्या किस तरह से उसको पकड़ा जाता है, किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से उसको लाना है? उसी तरह से पकड़ते हैं, जिस तरह करते हैं देखिए क्या नियम है, उसी तरह क्या नियम है, जाली से फंसाना और उसे गलत पर से फंसा कर गाड़ी में लौट क्लचर से उठा के गाड़ी में डालना है। आप लोग को यही पता है कुछ, ये पता नहीं है आपको, कोई नहीं पता है कि क्लचर जो है जो आप यूज करते हैं वायर लगा हुआ है आगे में वो प्रतिबंध लग गया उसमें? नहीं आप पहले के नहीं बात नहीं, इसमें प्रतिबंध लग गया, मैं आपको स्ट्रिक्टली ये चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, उसमें प्रतिबंध लग गया, उसको नहीं यूज़ करना है। मैंने धीरे सर से भी बात किया सुबह, ठीक है, आप उसको काम में आसानी होता है चलो पकड़ लो ठीक है, लेकिन उसमें देखना आप एक प्लास्टिक कोटेड लगा हुआ रहता है वायर, वो वायर से बना रहता है ना, तार से रहता है, उसमें तो प्लास्टिक लगा हुआ रहता है ना, प्लास्टिक धीरे धीरे फट जाता है ना, तो वो वायर फिर कुत्ता को नुकसान पहुंचाता है। नहीं सर फिर उससे चेंज कर देते, चेंज करते हो ठीक है वो अलग बात है, लेकिन बहुत जगह में ऐसा कंप्लेन आया है जिसमें केसेस भी फाइल हुआ है, नगर निगम के को भी हिदायत उसमें दिया जाता है कि भाई आप ऐसा क्रुएल्टी मत करो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो या इंसान हो, रूल्स तो सबके लिए बराबर होता है ना गाइडलाइंस, तो उसमें क्रुएल्टी दिखाया जाता है। अब जिस तरह से अभी देखो आज सुबह बैंगलोर से एक वीडियो भैया ने भेजा, आपने कुत्ता को ऐसे उठाया वायर से खींचा, पब्लिक वहाँ पीछे बोल रहा भैया इसको चोट लग रहा था दौरा, उसका भी आवाज आ रहा है और उसको उठा के सीधा ऐसे आप गाड़ी में पटक दिया, वो बोले हम भी बोले ठीक है कि धीरा से डालो ठीक है, अच्छा आप ही बोल रहे हम ही बोले थे, अच्छा तो जिसने पकड़ा जिसने डाला उनको, जो आप कुत्ता पकड़ते हो तो कुत्ता के साथ जब जानवर के साथ आप काम कर रहे हो ना, तो आपके अंदर थोड़ा सा इमोशंस होना चाहिए, आप वो मशीन नहीं है ठीक है, आप भी मशीन नहीं हो, पैसा के लिए काम करो, पैसा के लिए हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन मानवता इंसान के अंदर होना चाहिए थोड़ा सा, तो भैया उसको भी दर्द होता है जो वायर रहता है वो सड़क का कोई डस्टबिन कचरा नहीं है, नगर निगम से कचरा उठाया और गाड़ी में लोड कर दिया, कचरा नहीं है उसमें भी जान है ठीक है, और हर पशु का रक्षा करने के लिए कानून भी बना है और इंसान भी बना है, हम ही लोग को रक्षा करना होता है ठीक है, काम भी करो और काम में थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा अपना फीलिंग डाल दो तो काम आसान से हो जाता है। अभी देखो बहुत लोगों को पता है कि झमेला भी हुआ है, बहुत जगह गाड़ी उड़ी रोक के लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये क्यों होता है? बस इसी कारण से होता है, आपने आप ये वीडियो वायरल होगा तो जो जब जहाँ भी आप गाड़ी जाओगे वहाँ अगर कोई संगी आदमी मिलेगा तो आपका गाड़ी को नुकसान करेगा, आप लोग को वहाँ गाड़ी कुत्ता उठाने लगेगा। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कुत्ता नसबंदी का जो काम स्टेरिलाइजेशन का स्टार्ट हुआ है एबीसी बर्थ कंट्रोल और एंटी वैक्सीन का रेबीज का जो वैक्सीनेशन का, ये हर जगह स्टेट में लागू हुआ है, हर जगह काम हो रहा है, धनबाद में हम ही लोगों ने स्टार्ट करवाया, सबसे पहले आईएसएम में मैंने मीटिंग करवाया था डिप्टी डायरेक्टर से, उसके बाद ये वहाँ से जब पास हुआ उसके बाद यहाँ पे ये वो अप्लाई किया गया ठीक है, इंप्लीमेंट यहाँ किया गया धनबाद के लिए, तो जब ये काम इतना अच्छा से हुआ है तो उसको बीच में आपको ये भी पता होगा कि 7-8 महीना साल भर पहले ये काम रुक भी गया था ठीक है ना, गोपाल उस समय काम करता था जो भरतपुर का कोई एनजीओ काम कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग उसी से हो गया आप लोग के यहाँ वहाँ से नहीं, वो एनजीओ पहले कॉन्ट्रैक्ट लिया था सबसे पहला, लेकिन उसके खिलाफ ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि वो सीधा श्रीमती मेनका गांधी के पास गई, उनका मैं रिप्रेजेंटेटिव मैं झारखंड का देखता हूँ ठीक है, तो वो वीडियो जाने के बाद मैडम ने नगर निगम नगर आयुक्त से बात करके वो उसको बंद करवा दिया, पूरा काम बंद करो ऐसे काम नहीं करना, ये कोई तरीका नहीं है, काम कर रहे हो स्टेरिलाइजेशन हो रहा है, आपको सैलरी मिल रहा है, डॉक्टर को भी सैलरी मिल रहा है, नगर निगम के पास ऊपर से सेंट्रल से फंड आ रहा है, मोदी जी फंड भेज रहे, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके साथ हम अत्याचार करें, ठीक है सर आप बता कैसे उसको लोड जाती है, आप हम लोग भी बंदर होंगे यार, हम लोग को भी इमरजेंसी में नहीं पकड़ते हैं, हम लोग भी पकड़ते हैं, बंदर भी पकड़ते हैं, लगा हुआ है वो लगा रहना चाहिए, जब आप उसको दबा रहे हो तो जब एक आदमी उसको गर्दन दबा रहा है, हम लोग भी रेस्क्यू करते हैं, आप मेरे डीएफओ सर से यहाँ पूछ सकते हो, ऐसा बात नहीं इमरजेंसी में हम लोग भी कूद जाते हैं, 3 साल अभी धनबाद थाना में कुत्ता का मुंह में डब्बा फंस गया था तो हमने मैंने निकाला, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ मैंने कैसे पकड़ा, उसका गर्दन उठा कर मैं टांग के नहीं ले आया सर, अब हर डॉग का एक लड़का नहीं कर सकते, एक लड़का आगे का टांग पकड़ा, आपको कितना अटैक किया अरे हमको अटैक किया नहीं क्या, वो बात नहीं है पब्लिक इशू हो रहा है, आप लोगों ने एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन तो पहले लगाया होगा, बिना लगा के तो डॉक्टर भी काम नहीं करता, नहीं तो वैसे नहीं लगता जब तक लेकिन आप जब उसको क्लचर से आप गर्दन पकड़े हो, एक आदमी क्लचर पकड़ो तो एक आदमी जब उसको लोड कर रहा है गाड़ी में तो पीछे से एक आदमी आके सपोर्ट हो ना, सुनिए सर देखिए आप जब डॉग उसको पकड़ेंगे ना तो कभी आदमी देखा नहीं है पूरा छटपटाएगा, उस समय ना आप पैर उसको पकड़ पाएगा, जो सुस्त डॉग है जो खाया पीने में फंसा हुआ है वो सुस्त रहेगा, उसका आराम से पकड़ेगा, डॉग जब पकड़ोगे ना उस समय
इरिटेट होता है, छटपट आता है, लेकिन थोड़ा सा होल्ड कर दोगे ना आप गाड़ी में लोड करने से पहले वहीं होल्ड कर दो, स्टेबल हो जाता है, नेट में रखते हैं कुछ देर के बाद स्टेबल हो जाता है, शांत होने के बाद फिर भी हम लोग हाथ से नहीं टच कर सकते, जखन गुस्सा में रहता है किसी की भी टच कीजिए गुस्सा में, काटेगा वो बात हम मान रहे हैं, काट सकता क्यों नहीं काटेगा, तो उसका रिएक्शन स्वाभाविक है, काट ही सकता है, हम लोग जब लाते हैं पकड़ते हैं जब डालते हैं समझे वही कष्ट है, इसका मतलब कष्ट थोड़ा सा वही कष्ट देता है, हम लोग इमोशन है सर, हम लोग भी दूसरा प्रॉब्लम एक कंप्लेन मेरे पास रेगुलर आता है कि आप कुत्ता यहाँ से उठाते हो छोड़ते हो कहीं और, जैसे कैसे हो सकता है कुत्ता मिसिंग हो रहा है, 10 कुत्ता 2 कुत्ता मिसिंग, अभी धैया से तुमने उठाया था ना कुत्ता आईएसएम के पीछे से मंडल बस्ती से उठाया था ना, उसका वीडियो मेरे पास है और हाँ तो उसका वीडियो भी मेरे पास है, तुम धनबाद में कहीं भी कुत्ता उठाओ उसका इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा, इनको मिलेगा हमको मिलेगा, ठीक है चलो थोड़ा वहाँ से कुत्ता अभी भी मिसिंग बात नहीं है, बस कुत्ता जहाँ से उठा रहे हो लोकेशन उसी लोकेशन में उसको ड्रॉप करना, बस ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है अभी तक हम बात नहीं की कि बात वहाँ तक नहीं बढ़ा, लेकिन अभी जैसे इनसे बात करेंगे हमको इससे बात समझाना बहुत जरूरी है, नहीं नहीं अब समझ गया सही बात करें, बस प्यार से करो, जानवर आपको रोजी रोटी दे रहा है, हमको रोजी रोटी नहीं दे रहा, अलग नहीं आपको रोजी रोटी दे रहा है, ये डॉग का एरिया होता है सर, अलग छोड़ेंगे खुद उन्होंने लड़ेगा, हम लोग ऐसे छोड़ ही नहीं सकते, कि लड़ेगा तो तुम लोग लड़के तुम मर जाएगा, इसलिए हम वही जहाँ सुनाते हैं जानवर है इसलिए एरिया है रहता है, बटन रहता है डॉग यहाँ के एरिया काम कर रहे हैं तो यही एरिया में रहेगा, अलग ये वाला लाए हाँ चलिए आप अभी अभी हम देखो अभी काम बंद हो जाएगा इसी सब इशू में, फिर तुम लोग का भी काम हो जाएगा, कुछ भी कहिए नहीं कर सकते, हम दूसरा डॉग का टच नहीं कर सकते, ये बैंक बोर्ड का लगभग का डॉग उठा था, देखिए कितना था तो वो पहचान ले गया, गाड़ी से बिस्किट लाओ